हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये लटकन बनाएंगे। ये लटकन हमारी जैसे ब्लाउजेज होते हैं, जहाँ हमारी कमीज होती है, जहाँ हमारे जैसे लहंगे होते हैं, तो उसी में हमारी ये हैवी हैवी लटकन लगती हैं पार्टी वियर ड्रेसेस में। जैसे बाजार में हम ऐसी लटकन लेने जाएं तो हमें बहुत ही महंगी पड़ेगी, तो घर में हम इस तरह से बना लें तो हमें बहुत ही सस्ते में पड़ेगी ये लटकन। इस लटकन को बनाना भी एकदम ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लटकन बनाना शुरू करते हैं। लटकन बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, जिस ब्लाउज या कमीज का बनाना है उसी का हम कपड़ा लेंगे। तो ये कपड़ा मैंने इस तरह से लिया है, इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, फिर से एक और फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमें 2 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, ये निशान है हमारा, तो इस साइड से भी हमें 2 इंच पे लेना है कपड़ा। ऐसे निशान लगा दिया, ये हम ब्लॉक बना लेंगे 2 इंच का। ये मैंने इस तरह से ब्लॉक बना लिया है। अब ये हमारी फोल्डेड साइड है, ये भी फोल्डेड है, यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में शेप लगानी है। ये शेप राउंड में ऐसे लगानी है, इसके बाद हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये जैसे हमने शेप लगाई है उसी तरह से कट कर लेंगे। ये पीस मैंने कट कर लिया है, अब इस तरह से खोलेंगे तो ये हमारा इस शेप में आएगा। ये हमारा एक पीस बन गया है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और बाकी के पीस भी इस तरह से काटेंगे। तो हमें ज़्यादा पीस चाहिए, तो इसी तरह से हम आगे आगे कट करते जाएंगे। अब ये एक पीस कट गया है, ये हमारा जॉइंट है यहाँ से, इसे भी हमें कट कर लेना है। ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी है राउंड में, यहाँ तक। तो सिलाई लगाती हूँ मैं, ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पर। अब ये कपड़ा हमारा राउंड में है, तो इसे हमें कट लगाना है यहाँ से, सिलाई के पास से लगाना है, सिलाई नहीं काटनी। इससे ये होगा कि हम जब सीधा करेंगे कपड़ा तो हमारा कोई भी चुन्नट नहीं आएगा, तो सारे पे कट लगाते हैं। ये कट्स मैंने लगा दिए हैं, अब सीधा कर लेंगे हम इस कपड़े को इस तरह से। ये हमारा सीधा हो गया, यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे या हाथ से ऐसे कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया है कपड़ा। अब हमें पतली लेस लेनी है, एकदम पतली लेस आती है वही लेस लेंगे हम। तो ये हमारा जो कॉर्नर है, ये हमारी जो सिलाई की साइड है, यहाँ से हमें इस तरह से सिलते जाना है और इस लेस को ऐसे अटैच कर देंगे यहाँ तक। ये लेस मैंने लगा दी है, चारों ओर से हमारी लेस लग गई है। इस तरह से हम बाकी पीस भी रेडी कर लेंगे। ये एक ही साइज के मैंने ए पीस 9 पीस रेडी किए हैं, जितने आपको लगाने हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं, आगे आप डिज़ाइन में देखेंगे तो। इसके बाद हमें डोरी लेनी है, तो एक छोटा पीस लेंगे हम डोरी का, जैसे 10 इंच तक ले लेंगे, एक हम बड़ा पीस लेंगे। अब सबसे पहले हम छोटी डोरी का रेडी करेंगे, तो जैसे ये हमारा एक पीस है कपड़े का, यहाँ पर हम सेंटर में डोरी रखेंगे और ये कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे पलटेंगे। और ये हमारा ओपन स्पेस है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है, अब ये हमारा जो कपड़ा है इसे हम इस तरह से पलट देंगे, तो ये हमारी ऐसे लटकन रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये लटकन होगी रेडी। इस तरह से अगर हमें सिंपल लटकन बनानी है तो हम इतना बना सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी ये कपड़ा यहाँ पर अटैच करेंगे, तो ये हम इतना गैप रखेंगे कि ये हमारा ये पार्ट ना दिखे, तो थोड़ा हमारा ये दिखना चाहिए, तो हम इतना रखेंगे और इस कपड़े को भी सेंटर में रख के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कट कर लेंगे, नहीं तो हमारा बाहर दिखेगा, डोरी नहीं हमें कट करनी है। ये मैंने कट कर दिया है कपड़ा, अब इस कपड़े को भी हम सीधा कर लेंगे, तो ये हमारी डोरी इस तरह से बन जाएगी। ये हमारा थोड़ा ऐसे ढका हुआ आना चाहिए इसमें थोड़ा अंदर को, नहीं तो डोरी दिखेगी। इस तरह से ये हमारी बनेगी। इसी तरह हम तीसरा भी लगाएंगे, तो ये है हमारा, जैसे इतना ही गैप रखेंगे जितना इधर रखा था डोरी का, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। डोरी को एकदम कॉर्नर में हमें रखना है, यहाँ से सिलाई लगाती हूँ। ये तीसरी भी मैंने लगा दी है, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने 3 अटैच कर दी है यहाँ पे लटकन, अगर हम चाहें तो 4-5, जितना बड़ा बनाना है उतना हम कर सकते हैं। अब बड़ी डोरी में भी हम इसी तरह से 3 लटकन लगा लेंगे।
जैसे ये है हमारी, जैसे हमने पहले लगाया है उसी तरह से तीन लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी डबल। अब ये हमारी दो लटकन रेडी हो गई हैं। तो ये हमारी छोटी डोरी है, इसे हमें इस तरह यहाँ पे अटैच करना है। तो इतना हम कट कर लेंगे, 1 इंच तक कट करेंगे ऐसे। ये मैंने इतना इतना कट कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे ये हमारी डोरी है, तो ये हम नीडल के साथ ऐसे करेंगे। नीडल में हम डबल धागा डाल लेंगे और यहाँ से हमें स्टिच करना है इसे। यहाँ पर अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे, जिससे कि ये डोरी हमारी खुलने ना पाए। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर दिया है मजबूती से। तो यहाँ पे नोट लगा लेंगे हम, इस तरह से दो नोट लगा लेंगे, जिससे हमारा ये निकले ना। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। ये दोनों डोरी अटैच हो गई है हमारी। अब ये हमारा ज्वाइंट है, इसको हम किस तरह से ढकेंगे। जैसे ये कपड़ा है, इसे हमें इस डायरेक्शन में रखना है यहाँ पे। और ये हमारा ज्वाइंट है, यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे डबल रख के। ये सिलाई लगा दी है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से हम, अगर ज़्यादा है कपड़ा हमारा, तो यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे। और ये कपड़ा है, इसको हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो ज्वाइंट था, एकदम हमारा कवर हो गया है। इस तरह से ये हमारी बन गया है। इसके बाद हम ये ऊपर को है, ये हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे ये डायरेक्शन है हमारी, यहाँ से रख लेंगे जितना हमारा ये यहाँ पे आए कवर होके। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे डबल रख के। ये सिलाई यहाँ पे लग गई है। अब इस कपड़े को भी हम ऐसे पलट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है लटकन। इस तरह से अगर हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहें, तो आगे आगे हम इस तरह से लगा सकते हैं, तो हमारी और बड़ी लटकन हो जाएगी। तो ये लटकन हमारी बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। लटकन हमारी बनके रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी हमारी लटकन बनी है। इस लटकन को हम जैसे हैवी हमारे ब्लाउजेज होते हैं, जहाँ हमारे लहंगाज होते हैं, उन पर लगा सकते हैं। ऐसे बाजार में लेने जाएं तो ये लटकन हमें बहुत ही महंगे पड़ते हैं। घर में हम एकदम सस्ते में बना सकते हैं और बनाना भी एकदम ईजी है इन लटकन को। फ्रेंड्स लटकन हमारी बनके रेडी है। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।